इस मंत्र का जाप बुराइयों से दूर गुरु मर्यादा में रहे आजीवन सेवन करे और अपना संसारी काम भी करता रहे, मोक्ष गारंटीड है। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है कि सबसे पहले ये काल ये कोशिश करता है कि गुरु के प्रति इसके मन में दोष आ जाए। फिर जब ही आपका गुरु के प्रति दोष आ गया आपके मन में, तो भगवान के प्रति आ गया, क्योंकि आप जी ने मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, तो फिर परमात्मा से दूर हो जाओगे, फिर आपकी इस भक्ति में रुचि नहीं रहेगी, आपके ऊपर इन वचनों का असर होना भी बंद हो जाएगा, जो आज आपका हो रहा है कि एक वचन का असर होता है और जरा सी भी कोई गलती आपसे बन जाती है तो आप थर थर कांपने लग जाते हो, 100 बार क्षमा याचना करते हो कि आगे हम कभी नहीं करेंगे ऐसी गलती। और जब ये परमात्मा से आपका कनेक्शन कट जाएगा, फिर से 100 बार कह लें आपका असर कौन हो, तो इतने ग्रंथों की हमें आवश्यकता नहीं थी, केवल एक मंत्र था। उसके विषय में क्या बता रहे हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। अब वही मन था जो ये बकवाद गड़ा करता, यो फागण आ जनता सारा दिन पानी मारा है, कितने गारा मारा, कितने रंग छिड़क्या करता है, वो मन है कति से मिट गया। इन बकवादा की कति रुचि नहीं बनती, और जिस भगत की रुचि बनती है वो भगत नहीं है, उसका नाम चल नहीं रहा। एक तो ये होता है कि तो अभी सटाट की है भक्ति, उसकी तो बात अलग है, बालक है अभी, उसको धोखा भी लग सकता है। लेकिन जो दो दो वर्ष, तीन तीन वर्ष, चार चार वर्ष, 5 वर्ष के हो गए और वो फिर भी इन काल के ड्रामाबाजी में सहयोग हिस्सा लेते हैं, कोई मैच देखता है, कोई फिल्म देखता है, या कोई गाने बजाने में हिस्सा लेता है, डांस करता है, उसकी भक्ति सटाट नहीं है। जब इस भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, अपने फीका लगेगा सब कुछ, यहाँ का पृथ्वीपति भी बना दे तो भी आपकी इच्छा नहीं बनेगी, तब समझ लेना आपकी श्रुति मालिक की तरफ सरक रही है, चल रही है। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। पर पटन, परलोक, पटन माने स्थान, पर माने दूसरा, परलोक पर स्थान पर, उस सतलोक में। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। पावन अपटक पपील के रंग होरी हो, या पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। पपील माने चीटी, कीड़ी। कहते हैं वहाँ सतलोक में चलते समय तो आपकी चीटी भी नहीं साथ जा सकती, और तुम यो इतने ग्रंथ और पोथीर पत्रे रूपनिष दरिय बैलों के ऊपर लादे फिरो और शास्त्रार्थ करते शर बढ़ाते फिरो, वो अक्सर इनमें नहीं है जो मोक्ष का है। जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो। पानी पवन न संचरे रंग होरी हो, चंद सूरज ना जावे राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रहस्य के शीश राम रंग होरी हो। अब जो मोक्ष मंत्र है कहते वो आपके इन वेदों और कतेबों में नहीं है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, वो तुम्हारे वेदों और पुराणों में नहीं था, गीता उपनिषदों में नहीं था। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर याम नहीं रंग होरी हो, वो रहस्य के शीश राम रंग होरी हो।
कागज कलम कलेस है रंग होरी हो, स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। देही माही विदेह है रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। अब कौन सा है वो तारंग मंत्र पार करने वाला नाम? तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। अब तीसरे का संकेत भी करते हैं। सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, या लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सुख सम्मंत्र पाव राम रंग होरी हो। ये वो सत मंत्र की तरफ संकेत है, जो ओम तत् सत में जो तीसरा मंत्र है। निर्गुण पद निर्वाण है रंग होरी हो, सुरत नृत धुन लाव राम रंग होरी हो। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सुख सम्मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या मंत्र से पार हो है रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता स्यंद राम रंग होरी हो। अब प्रत्येक एक एक शब्द की आधी रिच का, आधी रचा का यानी आधी पंक्ति का अलग अलग बहुत गूढ़ रहस्य है। इसमें क्या बताया है कि जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे भव मोक्षामि मा सुच। अब हम क्या करते थे, ओम नाम के जो साधना की भक्ति की जो कमाई थी उसका हम कहाँ दुरुपयोग करते थे, ब्रह्मलोक में जाते थे। और ब्रह्मलोक ये समझ ले कि बहुत बड़े रहीस लोगों का होटल है, और वहाँ सारी बकवाद नाचना गाना सब तरह की बहुत कितने प्रकार की जो कितने भी उपलब्ध नहीं इस ब्रह्मांड में, वो बकवाद ब्रह्मलोक में है। और वहाँ बहुत समय तक इस ओम नाम के जाप से बहुत समय तो कोई हजार युगों तक वहाँ ये प्राणी बकवाद करता रहता, आनंद लेता रहता है। और जब इसकी पूंजी समाप्त हो जाती है फिर इसको गधा बना के छोड़ देता है युकाल। अब क्या बताते हैं, ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता संधि राम रंग होरी हो। के जो सतनाम दूसरा मंत्र है ये मोक्ष करने की संधि है। और फिर क्या बताते हैं, इस सतनाम की कितनी कीमत है इस दो मंत्र की, क्योंकि अकेला ओम जाप करने से इसका अन्य फल मिलता है। और ये दो अक्षर का बनकर जब सतनाम बन जाता, सतनाम बन जाता ओम और तत् सांकेतिक, इसकी और अलग से व्यवस्था बनती है। जैसे हम ओम नाम की कमाई काल को दे देंगे, इसका आनंद हम प्राप्त नहीं करेंगे, हम अपनी पूंजी को नाश नहीं करेंगे, फिर इस जिसके प्रतिफल में ये हमें यहाँ का किराया लेकर छोड़ देगा। जैसे इस काल ने तप करके प्रभु से, परमेश्वर कबीर देव जी से ये सब ब्रह्मांड ले रखे, और ये पृथ्वी खुद घूम रही है, चल रही है, सारा दिन दिन रात चलती रहती है ये, और इसके ऊपर कितनी सुविधाएं हैं, खान की, पीन की, नहाण की, धोण की, जैसे कोई जहाज में चल रहा है तो उसके अंदर सारी व्यवस्था होती है, लैट्रिन, बाथरूम, वहाँ खाना पीना सारी वस्तु उपलब्ध होती है, लेकिन उसका किराया बहुत होता है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हम इस काल के
इसमें बैठ गए जहाज में और जो पूंजी हम लाए थे वह खत्म होगी। अब हमारे ऊपर कर्जा रख दिया, हमारे ऊपर इसका बहुत बड़ा कर्ज हो गया, जिसके आधार से हम ओम नाम की कमाई भी करते हैं, तो हम इसी के होटल में स्वर्ग में महास्वर्ग में बैठ कर ब्रह्मलोक में बैठ कर बर्बाद कर देते हैं और हम बहुत बड़े ऋणी हो गए इसके। फिर इस दो मंत्र के सतनाम के जाप से हम कैसे इसके ऋण मुक्त होंगे? इसकी इतनी कमाई जो विधि है इसके सिमरण करने की, ये बहुत ज़बरदस्त है। और ऐसे साधना करने से ये बहुत ज़्यादा, एक ही सिमरण से बहुत कमाई बन जाती है। और हम आजीवन सिमरण करेंगे तब हम यहाँ से निकलने योग्य होंगे, ये समझ लेना। फिर हमारे ऊपर कितना कर्जा है इस काल का, काल के इस जहाज में बैठ कर हम घूम रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, यहीं नहा रहे हैं, यहीं धो रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत कर्जा बन गया है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, इस दास से उपदेश लेकर वर्तमान में इस पृथ्वी पर किस ब्रह्मांड में कोई नाम देनिया नहीं है। सतनाम, इस सच्चे नाम का उनके पास ज्ञान भी नहीं है। और यदि इस दास से सुनकर कोई बकवाद करने लग जाए नाम दे है, तो महादुश्मन है आप जी का। तो इस नाम को लेकर के सिमरण करना प्रारंभ कर दीजिए, घबराना नहीं, बहुत आसानी से आप कर्ज मुक्त हो जाओगे। कितनी कीमत है इस श्वास के सिमरण की, सतनाम के सिमरण की। सार नाम का तो कहना है कि है, वो तो वो कह रहा गल्ला छड़ दे, लेकिन इस दो मंत्र के जाप की भी कितनी कमाई है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं, पहले पुराने सिस्टम हुआ करते, तराजू हुआ करती, एक डंडी ही बांध दिया करते ऊपर, उसके सेंटर में बिल्कुल एक पकड़न का रस्सी बांध लेते थे गोल गोल करके, और उस डंडी के दोनों किनारों पर रस्सी बांध कर एक थाली सी बांध दिया करते लोह की। अब तो शायद ना रही होंगी गांवों में, शहर में वो तराजू पुराने टाइप के हमने खूब देखे हैं। तो वो तराजू से, उस तखड़ी से ये व्यापारी लोग सौदा खरीदा करते, हमारे घरों से गेहूं कणक तोलने आया करते थे, किसान परिवार में जन्म था दास का। तो क्या करते थे कि जैसे चने लेने हैं या गेहूं तोलने होते थे या गुड़ शक्कर तोलना होता था, तो उस तराजू को पहले दिखाते थे धनी को कि देख तराजू में कोई त्रुटि तो नहीं है, अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत त्रुटि होती तो जो सामान तोलना होता था, खरीदना होता था, उसी में से एक मुट्ठी गेहूं उठा कर, जैसे गेहूं तोलने, तो जिस तरफ वो अनबैलेंस्ड थी यानी जिस तरफ पलड़ा ऊंचा था उसमें गेहूं डाल देते एक मुट्ठी, फिर वो बराबर हो जाती, उसमें डिफेक्ट नहीं रहता, और फिर उसी साइड में बट्टे रख देते बाट और दूसरे तराजू से फिर तोल तोल के वो सौदा कराया करते, तोला करते। और वो जो थोड़ी सी डाली ना पासिंग, उसको पासिंग बोला करते, जिसमें डिफेक्ट होता तराजू में पासिंग कहा करते, उस पासिंग को ठीक करने के लिए थोड़ी सी कणक डाली, वो कणक तो समझो कोई यूज नहीं, उसका सौदा ही नहीं, वो तो अलग सौदे से बाहर है, और सौदा तो फिर अलग तोला करते थे। तो क्या बताते हैं, एक मंत्र श्वास उश्वास का पूरी विधि से दास से उपदेश लेकर के यानी परम संत से एक बार का सुमन किया हुआ कितनी कीमत है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और दूसरे पालड़े में, एक पालड़े में तो एक सिमरन की कीमत दर्द, एक श्वास उस श्वास की, सतनाम के दोनों मंत्रों की एक, और दूसरी तरफ 14 लोक जिसमें ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, नीचे के ये पाताल ताल तुल ये सारे लोक, ये 14 लोक एक तरफ रखते, यानी सारा ब्रह्मांड समझ लो,
और तीन लोक, स्वर्ग लोक, ये पृथ्वी लोक और नीचे पाताल लोक है।